हेलो फ्रेंड्स, आई एम आदित्य एंड यू आर वाचिंग जर्मन क्लास। आप में से काफ़ी लोग होंगे जो जर्मनी में पढ़ना चाहते हैं और जर्मनी में जॉब करना चाहते हैं। कुछ ऐसी जॉब है जिसके लिए जर्मन आना बहुत ज़रूरी है। आपको भी पता है जर्मन इज़ ए लैंग्वेज एंड लैंग्वेज मीन्स टू कम्युनिकेट, इंटरेक्ट विद अदर पीपल। और बहुत सारी जॉब है जहाँ पर इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा होता है, तो जहाँ पर इंटरेक्शन ज़्यादा होता है वहाँ पर आपको जर्मन की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आप एक ऐसी कंट्री में जा रहे हो जहाँ पर मदर टंग की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, जहाँ पर मदर टंग को बहुत ज़्यादा फोकस दिया जाता है वर्क प्लेस पर भी। और कहीं भी आप हो, सिटी में हो, कहीं विलेज में हो, कहीं ऑफिस में हो, गवर्नमेंट ऑफिस में हो, पर्सनली कहीं किसी से बात कर रहे हो, तो आपको मदर टंग ही यूज़ करनी पड़ेगी, जो कि है जर्मन। जर्मनी में रहने वाले लोगों की मदर टंग जर्मन है और आपको उन्हीं की भाषा में बात करनी पड़ेगी। और अगर आपको काम करना है तो डेफिनेटली आपको जर्मन आनी चाहिए। मैं बात कर रहा हूँ मेडिकल प्रोफेशन की। आपको अगर मेडिकल वहाँ पे पढ़ना है, मेडिसिन बोलते हैं, अगर आपको MBBS जैसे हम बोलते हैं इंडिया में मेडिसिन, अगर आपको वहाँ पढ़ाई करनी है मेडिसिन की, या आपको जॉब करनी है हॉस्पिटल में एज ए नर्स की भी मैं बात कर रहा हूँ, चाहे एज ए डॉक्टर की बात कर रहा हूँ, ये ऐसे प्रोफेशन है जिसमें इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा होता है। डॉक्टर और पेशेंट के बीच इंटरेक्शन होता है। पेशेंट आपके पास आएगा जर्मन और आपको इंडियन या किसी और कंट्री से, और आपको अगर जर्मन नहीं आती तो आप कैसे पेशेंट से बात करोगे, कैसे आप उसको बताओगे कि क्या मेडिसिन लेनी है, कैसे आप उसको प्रिस्क्रिप्शन दोगे और कैसे आप उसकी बात समझोगे कि एक्चुअली उसे प्रॉब्लम क्या है। वो पेशेंट है, वो आपसे बात करेगा और बताएगा कि उसको क्या प्रॉब्लम है, और आपसे वो एडवाइस लेगा। वो एक्सपेक्ट करता है कि डॉक्टर मुझे एक अच्छी एडवाइस देगा, और वो डॉक्टर जब तक जर्मन नहीं जानेगा कैसे एडवाइस देगा, क्योंकि पेशेंट को तो जर्मन ही आती है, वो नेटिव है, उसको जर्मन आती है, उसको एक्सपेक्ट करता है वो कि जर्मन मैं डॉक्टर से बात करूँ जर्मन में ही, ताकि मैं अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस कर पाऊँ और डॉक्टर भी अपनी बात मुझसे जर्मन में ही करे। बिकॉज नेटिव लोगों की मदर टंग जर्मन है, वो उसको ज़्यादा अच्छे से समझते हैं, ज़्यादा अच्छे से एक्सप्रेस करते हैं। एक दो नहीं, दिन में आप कितने पेशेंट देखोगे, सबसे आपको इंटरेक्शन करना पड़ेगा, और इसी के लिए आपको जर्मन आनी बहुत ज़रूरी है। ये मस्ट है, इसके बिना कोई ऑप्शन है ही नहीं। तो अगर आप भी जर्मनी में एज ए डॉक्टर काम करना चाहते हो या एज ए नर्स काम करना चाहते हो, तो मेरी एडवाइस है जर्मन बहुत अच्छे से सीखो। इतने अच्छे से सीखो कि आपको अच्छे से कम्युनिकेशन हो जाए, आप कंफर्टेबल फील करो, आप किसी भी व्यक्ति से जर्मन में बात करने में कोई हेजिटेशन ना रखो। बस इस लेवल तक आपको जर्मन आनी चाहिए। मैं लेवल नहीं बता रहा हूँ कि किस लेवल तक करना है, क्योंकि लेवल में प्रॉब्लम होती है। मैंने बोला B2 लेवल। बहुत सारे लोग हैं जिनको B2 लेवल के बाद भी जर्मन नहीं आती। दे आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस देमसेल्फ वेल, दे आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट विद कॉन्फिडेंस। उनमें कॉन्फिडेंस नहीं है बात करने का, वे समझ लेते हैं बट बोल नहीं पाते, तो लेवल नहीं है। इसको आप इस तरह समझिए कि जिस भी लेवल पर आपको लगता है कि हाँ अब आप बात करने लायक हो, बस वही लेवल आपके लिए बेस्ट है। और ये लेवल डेफिनेटली B1 से ऊपर ही लेवल होता है। B1 से ऊपर आप जितना भी सीखो, B2, C1, C2, वो आपकी चॉइस है, बट जितना भी हो सके अच्छे से बोलना सीखो, कंफर्ट जोन में रहकर बोलना सीखो, कॉन्फिडेंस के साथ बोलना सीखो। ऐसा होगा तो आपको प्रोफेशन में बहुत सक्सेस मिलेगी और डेफिनेटली आपको भी एक जॉब मिल जाएगी जो आपको चाहिए जर्मनी में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। मिलते एक नए वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।